बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप माशाल्लाह सब खैरियत से होंगे आप लोग, और मेरे साथ मैथ्स को एंजॉय कर रहे होंगे इंशाल्लाह, और बहुत अच्छी तरह से आप समझ रहे होंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए, और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर भी करें ताकि आपके दोस्त जो हैं वो भी इससे मुस्तफीद हो सकें। आज हम एक्सरसाइज 2.5 करने जा रहे हैं, जो बेसिकली आयोटा के बारे में है, ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन है, तो इसमें आयोटा का वर्ड यूज़ हो रहा है। अब हम इसमें देखते हैं जी, सबसे पहले जो बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए कि आपके पास आयोटा की कीमत क्या होती है। आयोटा जो है इसकी आपके पास जो वैल्यू है वो होती है जज़र के अंदर माइनस का एक। जहाँ भी आयोटा हो उसका मतलब है जी वो क्या कीमत है, आयोटा और इक्वल है जज़र अंदर माइनस वन। अगर हम इस दोनों साइडों पर स्क्वायर लेते हैं, हम कहते हैं आयोटा स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा जज़र अंदर माइनस वन इसका स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इसके जज़र से ख़त्म होता है, लिहाजा आपके पास आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ जाती है माइनस वन। अक्सरियत जगह पे अगर आप देखेंगे तो हम ये चीज़ यूज़ करेंगे, आयोटा वाली भी चीज़ यूज़ तो होगी लेकिन कम, लेकिन ये चीज़ आपने अक्सर इस्तेमाल करनी है, तो इसको बारहा आपने याद रखना है कि आयोटा का जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू होती है सिर्फ माइनस वन, और जो आयोटा है उसकी जो वैल्यू है वो होती है अंडर रूट माइनस वन, यानी वो जज़र के अंदर है। अब हम क्वेश्चन नंबर वन करते हैं जी। इसमें से हमारी कोशिश ये होनी है कि हमने इसको सादा तरीन शक्ल में लेके जाना है, जहाँ तक ये सॉल्व हो सकता है हमने इसको सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में अगर देखते हैं, ये हमारे पास आयोटा की पावर सेवन है, इसको हमने किसी ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड करना है कि ये हमारे पास इवन नंबर यानी जुफ्त अदद में इसकी पावर आ जाए। अब ये सात है और ये क्या है हमारे पास ऑड नंबर है, सात ताकत होता है, हमने इसको इवन में चेंज करना है, इसका पेयर बना लेंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चंस में हम करते आए हैं कि जो चीज़ें ज़रब खाती हैं उसमें इसको हम बना लेते हैं आयोटा की पावर छः ज़रब आयोटा। अब देखिए इसका मतलब भी सेम वही हुआ कि आप आयोटा की एक जमा छः कितना बन जाएगा सात, यानी आयोटा की सात को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब हम नेक्स्ट काम इसमें क्या करते हैं, ये जो पावर छः है इसको आपने चेंज करना है आयोटा की पावर दो में, ये चीज़ आपने बनानी है, आपका यही आखिरी मकसद है कि आपने आयोटा स्क्वायर बनाना है। तो आयोटा स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहला काम आप क्या कर लेंगे, आयोटा स्क्वायर लिख लें। अब जो भी यहाँ पे पावर होगी उसको देखें दो से कितनी दफा ज़रब दें तो छः बनता है जी, दो तीन बार छः, तो यहाँ पे आ गई पावर तीन और ज़रब आयोटा इसी तरह से आ गया। तो ये देखें हम इसी तरह ये छः जमा एक सात था, फिर छः के दो हिस्से हुए आयोटा स्क्वायर, ज़रब कर दिया हमने इसको तीन से और ये आ जाएगा आयोटा की दो ऊपर पावर तीन। तो आयोटा स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू हमने पढ़ी है क्या होती है माइनस वन, तो ये आ जाएगा जी माइनस वन की पावर तीन ज़रब आयोटा। अब ये बेसिक चीज़ आप याद रख सकते हैं कि जब ब्रैकेट्स के अंदर जो अलामत है वो हो माइनस और ऊपर पावर जो है वो कोई ताक अदद हो, एक तीन पाँच सात ऑड नंबर्स में हो, तो फिर ये अलामत क्या रहती है जी माइनस, और अगर यहाँ पे कोई होती जुफ्त अदद जैसे दो चार छः आठ इनमें से कुछ होता इवन नंबर्स में से तो फिर ये पावर क्या हो जाती है प्लस। तो अब चूंकि जो पावर है वो हमारे पास क्या आ रही है ऑड नंबर ताक अदद, इसलिए ये आंसर इसका रहेगा माइनस और वन, क्योंकि वन की जितनी भी पावर ले ले वो वन ही रहता है, तो ये आ जाएगा माइनस वन ज़रब आयोटा सात ऐसे ही। तो इसको हम लिख सकते हैं कि नफी एक ज़रब आयोटा, नफी आयोटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, ये ऑलरेडी हमारे पास आपको नजर आ रहा है जुफ्त अलामत में लिखा हुआ है, तो इसको पहले तो लिख लें आयोटा का स्क्वायर, दो को कितनी दफा ज़रब दें पचास बनता है पच्चीस दफा, तो ये आ जाएगा इक्वल टू हमारे पास माइनस वन, क्योंकि आयोटा स्क्वायर आ गया तो इसकी वैल्यू ये माइनस वन और इसकी पावर 25। तो अब ऊपर फिर से क्या है ऑड नंबर है यानी ताकत है, तो ये अलामत क्या रहेगी माइनस वन, आंसर आ जाएगा इसका हमारे पास।
अब नेक्स्ट अगर हम तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं, वो भी सिंपल सा है, वो भी बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके पास एक जुफ्त अदद है और योटा की दो दो सौ कितने से जरूरत थे, छः से, दो छः बार बारह, तो ये आ जाएगा माइनस एक उसकी पावर छः। और चूंकि अब थोड़ा सा ये देखें, यहाँ पे आप जुफ्त नंबर है, इवन नंबर आ गया पावर में, तो ये जो अलामत है अब क्या हो जाएगी, जमा का एक। अगर हम चौथे क्वेश्चन को देखते हैं, ये ऑलरेडी हमारे पास ऊपर है, अब ये देखें नफी अयोटा और सारे की पावर आठ है, तो ऊपर पावर क्या है, जुफ्त अदद है, तो ये अलामत किस में चेंज हो जाएगी, जमा के अयोटा में, और अयोटा की पावर हो जाएगी आठ, यानी ये नफी भी ऐसे अब इसमें जमा हो गया। अब इसको आप इसी की तरह बिल्कुल अयोटा स्केयर में चेंज करें, और स्केयर को किस से जरब देंगे, आठ बनता है दो जरब चार, तो ये आ जाएगा ये माइनस वन उसकी पावर चार। तो माइनस वन जो है अब फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि जो पावर आ रही है हमारे पास वो क्या आ गई है, इवन नंबर जुफ्त अदद, तो ये आ जाएगा ये प्लस वन का आंसर। ये प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई अलामत ना हो तो हम कहते हैं प्लस है, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ये लगा रहा हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी बहुत अच्छी जो है वो समझ आ रही होगी, लेकिन अगर फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप काइंडली मेरे साथ डिस्कस करके आप मेरे से उस कन्फ्यूजन को दूर करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पाँचवा जो है वो हमारे पास है जी माइनस अयोटा और इसकी पावर है फाइव, और जो छठा क्वेश्चन है वो हमारे पास है अयोटा की पावर सताइस। इसको अगर हम देखते हैं, इसकी बात हम करते हैं, तो ये पांचवा जूस जो है इक्वल टू, अब देखिए ऊपर पावर क्या आ गई है, ऑड नंबर तो आठ अदद है, इसलिए नफी की अलामत और अयोटा की आ गई पांच। इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड ऐसे करते हैं कि नफी अयोटा अलहदा कर लें, जरब अयोटा की चार, यानी पेयर बनाते हुए ये याद रखें इसमें से एक वैसे अलहदा किया और इससे छोटी पावर दूसरे हिस्से पे आ जाती है, जैसे इसमें अगर हम देखेंगे अभी, पर ये आ जाएगी नफी अयोटा जरब, इसको अयोटा स्केयर में चेंज करें, दो कितनी दफा चार होता है, दो दो दफा, ये आ जाएगा नफी अयोटा जरब हमारे पास नफी एक की पावर दो, और ये आ गया नफी अयोटा जरब। अब देखिए फिर से जुफ्त अदद पावर है, तो ये जमा का एक हो गया, तो एक जरब नफी अयोटा, नफी अयोटा हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अगर इसको देखते हैं, फिर से दो हिस्से बनाने हैं, एक को कम कर लें अलहदा हो गया, और बाकी आ गया अयोटा की 26, अयोटा की 26 जो है इसको हमने चेंज करना है जी अयोटा स्केयर में, तो दो कितनी दफा 26 होता है, 13 दफा, और अयोटा की जो अयोटा स्केयर की कीमत है वो होती है माइनस वन, वो माइनस वन की पावर आ गई है 13, 13 अब क्या है ऑड नंबर यानी कि ताकत, तो ये पावर इसकी जो है अलामत है वो क्या रहेगी, जरब माइनस एक, तो नफी जरब जमा, क्योंकि अयोटा जमा का है, नफी जरब जमा नफी और अयोटा जरब एक अयोटा, इसका आंसर आ गया माइनस का अयोटा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है।